नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम सभी ने वो पुराना डायलॉग सुना हुआ है, बहुत पुराना डायलॉग है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते, है ना? याद आ गया वो डायलॉग, राजकुमार जानी ये बोलता था। और ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि कल अमेरिका में जो हुआ उसको देखकर ये डायलॉग मुझे याद आ गया। कुछ दिनों पहले जब राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन का मामला हुआ, बहुत सारे रिएक्शंस आए और यूएस ने भी रिएक्शन दिया था। यूएस ने रिएक्शन ये दिया था कि वी आर वॉचिंग क्लोजली। क्यों भाई? हमारे देश का अंदरूनी मामला, हमारे देश की एक न्यायालय ने वो डिसीजन दिया था, तो आपको वहाँ हजारों किलोमीटर दूर बैठकर सोचने की, बोलने की क्या जरूरत? ये इसके बाद जो है एक और देश ने स्टेटमेंट दिया, वो है जर्मनी। जर्मनी ने क्या कहा था? इट हैज टेकन अ नोट ऑफ द केस एंड एक्सपेक्ट्स दैट द स्टैंडर्ड्स ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स विल अप्लाई। जैसे ही जर्मनी से स्टेटमेंट आया, हमारे यहाँ के कुछ दिग्गज नेता जो है उन्होंने थैंक यू जर्मनी करके लिखा था। ये क्या दर्शाता है? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि आज भी इतने साल हो गए आजादी मिलने के बावजूद, हमारे यहाँ के कुछ लोग जो है अभी भी वो मानसिक गुलामी से बाहर नहीं आए हैं, जहां पर उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो भी बोलेंगे बिल्कुल सही होगा और हमेशा वो उनकी तरफ देखते हैं उनके रिस्पांस के लिए, उनके रिएक्शंस के लिए। तो ये एक मानसिक गुलामी ही बोल सकते हैं हम लोग, गोरों की गुलामी, जिसको अगर सिंपल वे में बताया जाए तो। और धन्यता मानते हैं उनकी हेल्प लेना, ये एक बात। दूसरी बात ये अमेरिका की कि अमेरिका हमेशा बार बार हमारे अंदरूनी मामले के को देखते हुए कुछ ना कुछ रिएक्शन, टिप्पणी जो है वो देते रहता है। क्यों अमेरिका चाइना के बारे में नहीं बोलता? क्यों अमेरिका बाकी कुछ कंट्रीज लाइक यूएई है उनके बारे में नहीं बात करता? क्यों भारत पे ही क्यों? क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है कि भारत अभी भी कमजोर देश है। ऐसा नहीं है भाई। या फिर अमेरिका को ऐसा भी लगता है कि पूरी दुनिया चलाने का भगवान ने अधिकार उसको ही दिया है, भगवान ने उनको ही लायक बनाया हुआ है और इसीलिए वो दूसरों के घरों में झांकता रहता है या फिर इंटरफियर करता रहता है। तो ये अमेरिका हमेशा करता आ रहा है। ये बात इसलिए हो रही है आज क्योंकि अमेरिका के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर एक कुछ केस चल रहा है और अदालत में वो केस शुरू हुआ, उनको लेकर गए थे, फिर कुछ भारी जो है वो पेनल्टी भी उनके ऊपर लगाई गई है, इस तरह से वो केस हुआ। तो यहाँ पे देखो, हमारे मामले में तुरंत यूएस ने बोला कि वी आर वॉचिंग क्लोजली, लेकिन जब किसी रिपोर्टर ने अभी के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनको पूछा तो उन्होंने बोला मुझे कुछ बोलना नहीं है इस मामले में, वी आर ओनली कंसर्न फॉर द अमेरिकन पीपल, इतना ही बोला। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, उनके रिएक्शंस देखो कैसे आए कि ये जानबूझकर हो रहा है, मुझे फंसाया गया है, अमेरिका का लोकतंत्र खतरे में है, ये भी उन्होंने बोला। फिर मेरा राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है, इस तरह से स्टेटमेंट्स उनके आए हैं। एज एन अपोजिशन पार्टी, उनके जो भी फॉलोअर्स है या जो भी लीडर्स है उनके कोई भी ऐसा बयान नहीं आया, केवल ये डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे बयान आए हैं, स्टेटमेंट्स आए हैं। तो अभी देखो, जब हमारे यहाँ के अपोजिशन पार्टी के साथ जो भी हुआ या जो राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन का जो केस चला, तब कितने रिएक्शंस आ रहे थे और कितना सारा बोला जा रहा था। लेकिन अमेरिका में जब ये हुआ तो उनके अपोजिशन पार्टी के ये जो लोग हैं उन्होंने कुछ भी इस तरह से बोला नहीं है। राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज गए, लंदन गए, वहां जाकर बोलकर आए कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, तो यूएस या फिर
यूरोपियन जो नेशन है उनको आगे आना चाहिए हमारे, तो ये एक तरह से उन्होंने इनविटेशन ही दिया था। और इसीलिए फिर तुरंत बाद में जब ये हुआ तो यूएस के ओर से ये स्टेटमेंट आया कि वी आर वॉचिंग क्लोजली। तो ये देखो हमारी मानसिकता किस तरह से अभी भी है। लेकिन अमेरिका इस तरह से कुछ नहीं बोलता, ना ही वो अपने अंदरूनी मामले के बारे में कभी भी बात करना चाहता है ना करेगा। कितनी बार ये होता है, वहां पे भी बहुत प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जो भी है, जो हमारे लिए बोलता है वो अमेरिका में भी है। ऐसा नहीं बोल सकते कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है अमेरिका में, लेकिन वो कभी भी एक वर्ड नहीं बोलेगा अपने अंदरूनी मामले के बारे में। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ हमारे ही लोग बोलते रहते हैं और बाहर जाकर बोलते रहते हैं, दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि देखो भाई हमारे यहाँ क्या हो रहा है। तो ये कुछ बातें जो है ना ये सामने उभर कर आती है अमेरिका के बारे में जब हम सोचते हैं। तो यहां अब बात करेंगे, जैसे ही अमेरिका ने रिएक्शन दिया राहुल गांधी जी के डिसक्वालिफिकेशन की केस के ऊपर, अब भारत को भी ना देना ही चाहिए इस तरह का कोई रिएक्शन कि वी आर ऑल्सो वॉचिंग क्लोजली, हम भी देख रहे हैं कि किस तरह से मामला चल रहा है, अमेरिका का लोकतंत्र खतरे में है क्या नहीं ये हम देखेंगे, या जो भी है इस तरह से भारत को स्टेटमेंट देना चाहिए कि नहीं, टिट फॉर टैट। कभी कभी भारत बिल्कुल अच्छी तरह से रिएक्शंस देता है, और पर्टिकुलरली हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो तो बिल्कुल जब जवाब देते हैं ना तो अच्छों अच्छों की बैंड बजती है। तो भाई अमेरिका भाई थोड़ा समझ जाओ, हमारे अंदरूनी मामले में मत पड़ाव करो, मत बोला करो, क्योंकि भारत बदल गया है, भारत जवाब देना जानता है और जवाब दे रहा है। एवरी एक्शन इज ऑलवेज हैविंग द रिएक्शन, आप जैसा बोलोगे वैसे रिएक्शंस अब आएंगे, ये बात जरूर याद रखनी चाहिए अमेरिका को अभी। तो आज की बात इतने ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू में जो बेल बटन है प्लीज प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चले। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।